ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग। हम हरेक को साल में कितने बार हैप्पी हैप्पी बोल के उसको विश करते हैं, बर्थडे टाइम क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे, और एनिवर्सरी में क्या बोलते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी, दीपावली, दिवाली, वैसे फेस्टिवल आए तो क्या बोलेंगे, हैप्पी दीपावली। तो क्या आप भी बोले जीवन में हैप्पी एक दिन के लिए फिक्स होना है, जीवन भर हैप्पी होना है, क्या होना है, जीवन भर हैप्पी होना है। हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारा सारा जीवन में हैप्पी हो। लेकिन आज हैप्पीनेस देखने में नहीं आ रहा है, सबके जीवन में दुख ही दुख है, क्योंकि सभी मीडिया से जुड़ गया। संस्कार का मूल कनेक्शन कहाँ है, वहां डिस्कनेक्ट हो गया है। आज किसी के पास भी संस्कार के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं। पहले जमाने में कुछ ना कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ एक पोता पोती भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे, उनका कहानियां सुनते थे, उनका जीवन के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज देते थे। इससे क्या होता था, बच्चों को थोड़ा बहुत संस्कार मिलता था। अब अपने जमाने को सोचो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उस जमाने को सोचो, तब कोई भी इंटरनेट नहीं था, गूगल सर्च नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो उस समय कैसा था संस्कार। आज सब आ गया, इतना साइंस का रिसर्च हो गया, फिर भी मनुष्य कैसे है, परेशान में। सुबह उठते ही हर घर में पहले क्या करने का काम कर रहे थे हैं बहन जी, पहले जमाने में क्या करते थे, 5 बजे को उठते थे, थोड़ा पूजा पाठ बहुत कुछ करते थे और दिन का आरंभ करते थे, कम से कम एक माला लेकर के राम राम कृष्ण करते थे। आज मोबाइल लेकर के सबका नाम जपना शुरू कर दिया है, तो देखो कैसा हो गया जमाना। मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूँ, एक कोर्ट में एक केस में किसी को क्या करना था, वो भगवत गीता सामने रखकर के क्या करते हैं, प्रमाण किया जाता है ना वो कोर्ट के केस में, तो वो जो जज के सामने बैठता है ना कुछ उसी का एम्प्लॉय, उसको क्या करना था, भगवत गीता ले आकर के वहां विटनेस बॉक्स के पास जाकर के प्रमाण कराना था। वो व्यक्ति क्या कर दिया, वो भगवत गीता को कहा ना कहा गुम कर दिया, वो भगवत गीता नहीं। तो जज क्या बोलता है, उसको डर आकर के वो क्या कर दिया, अपने मोबाइल में भगवत गीता को डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करके मोबाइल को ले आकर के बोलते हैं इस पर प्रमाण करो। देखो देखो क्या हो गया, इंसान की दिमाग कितना, सारी दुनिया उसमें देखती, अनजान व्यक्तियों से कनेक्शन कनेक्ट करते। और माताएं बहने आप सब जानते काम काज पूरा होने तक घर में बहुत कुछ, आप घर में अपने काम में बिजी होते हैं, बच्चे चले गए क्या करते हैं, टीवी ऑन, रिमोट ऑन, सास बहु इसका कैसा है उसका कैसा है देखने लग जाते, काम करते 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 दिमाग में कौन सा रिकॉर्ड हो रहा है एक बार सोचो। एंटरटेनमेंट के नाम पर सीरियल, लेकिन वहां एंटरटेनमेंट मिल रहा है या मन का कुछ ना कुछ वहां इनपुट हो रहा है, किसी के साथ झगड़ा हुआ उसके लिए सलूशन मिल रहा है, या वहां भी बहुत प्रकार के वैरायटी झगड़े और झगड़ा देख करके हमारा अंदर में और तरह के इनपुट हो रहा है। कई लोग तो इतना एडिक्शन हो जाते हैं कि मोबाइल साथ में रख करके बातें करते करते खाना पकाते हैं और अपने वेजिटेबल्स क्या बोलते सब्जियां सभी काटते हैं, कुछ भी घर का कुछ काम होता है तो उसमें इतना डेप्थ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो सब देखते 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 अपना मन का रिमोट कंट्रोल किसको दे दिया, एक साधन को दे देते या व्यक्ति को दे देते, तब हमारा मन का पूरा शक्ति कहाँ चले जाता है, साधनों में चले जाता है। और आप जो भोजन पकाते हैं और जो भी
कार्य व्यवहार करते हैं उसमें सब एनर्जी कहां चले जाता है, वो चले जाता है। और आपका पति देव या बच्चे घर को आता है उसको भूख लगता है, ऑलरेडी वो दुनिया के व्यवहार में थोड़ा टेंशन, थोड़ा उसको मन उदास, थोड़ा स्ट्रेस होता है, और घर में आने के बाद यही भोजन उसको परोसते हैं, तो वो खाते हैं तो उसका मन को कौन सा एनर्जी मिलता है, खुशी का एनर्जी मिलता है, दुख का एनर्जी मिलता है, या उसको इमोशंस क्या होता है, उसका मन और भी कमजोर होता है। हम समझते बच्चों को घर में बोलते रहते तू पढ़ते नहीं, लेकिन हम ये नहीं समझते हम जो काम कर रहे हैं उसमें कौन सा एनर्जी भर रहे हैं। मैं बच्चों को भी देखता हूँ कई बार, आपको भी देखता हूँ कई चाली उसको यूज करके आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए।